स्टोरी ऑफ अ लॉयल डॉग हु वेट फॉर हिज ओनर इन हिंदी। डॉग लवर यह वीडियो जरूर देखें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू मेक अस अप एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप टू इंक्रीज अवर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर अवर न्यू अपडेट्स। अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे चाइनीज डॉग के बारे में बताएंगे जो आजकल सोशल मीडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, आपने जापान टोक्यो के हाचिको नाम के डॉग की स्टोरी तो सुनी होगी, जो अपने ओनर के लिए इतना लॉयल था कि वो उनके लिए 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक वेट करता रहा, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। वैसे ही आजकल चाइना में एक दूसरा डॉग जिसका नाम है जोंग जोंग, जिसका मीनिंग है छोटा भालू, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों, साउथ चाइना के लिजिबा मेट्रो स्टेशन के बाहर एक 15 साल का डॉग है जो अपने ओनर के लिए करीब 12 घंटों तक वेट करता है, और वो पूरे के पूरे 12 घंटे मेट्रो स्टेशन के बाहर ही बैठा रहता है जब तक उसका ओनर नहीं आ जाता। अभी कुछ दिन पहले जोंग जोंग की एक वीडियो वायरल हुई जिसे कई लाख लोगों ने देखा और शेयर भी किया, और कई लोग तो ऐसे थे जो लिजिबा मेट्रो स्टेशन में इस डॉग से मिलने भी आए। जोंग जोंग के ओनर कहते हैं कि ये डॉग मेरे साथ पिछले 8 सालों से है और इसे मैंने अडॉप्ट किया था, और ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है और सारा दिन मेरा वेट करता रहता है। उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जोंग जोंग काफी फ्रेंडली और लविंग डॉग है, जिससे किसी को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। वहाँ के आसपास रहने वाले एक और लोकल ने कहा कि जोंग जोंग एक बहुत ही अच्छा और प्यारा डॉग है, अगर इसे आप कुछ भी खाने के लिए देंगे तो ये बिल्कुल नहीं खाएगा। हर रोज करीब 7 से 8 बजे के आसपास ये अपने मालिक के साथ आ जाता है, और जब इनका मालिक मेट्रो से चला जाता है काम में, उसके बाद ये मेट्रो स्टेशन के बाहर करीब 12 घंटों तक वेट करता है अपने ओनर के लिए, और फिर जब वो आ जाते हैं तब उनके साथ वो चले जाता है। कुछ दिनों में जोंग जोंग इतना पॉपुलर हो गया है कि बहुत से लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जोंग जोंग की इमेजेस और वीडियोस पोस्ट करने लगे हैं। जहां कुछ लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और वो कहते हैं कि दिस इज अ वेरी टचिंग अफेयर, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ओनर को अपने डॉग की और ज्यादा अच्छे से केयर करनी चाहिए, उसे यूं ही मेट्रो स्टेशन के बाहर खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे घर में रखना चाहिए और उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए। और दोस्तों, आप इस स्टोरी और इस डॉग के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर अपनी व्यूज बताएं। आज के टाइम में लोग जोंग जोंग को मॉडर्न डे हाचिको भी बोल रहे हैं, जिस डॉग के बारे में मैंने पहले आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो में हम आपको टारगेट देते हैं 1000 लाइक्स का, उम्मीद करते हैं आप ये टारगेट जल्दी ही पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा एपिसोड मॉडर्न डे हाची को कहे जाने वाले जोंग जोंग का। और ऐसी डॉग स्टोरीज और डॉग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।